एप्पल बंद हो जाएगा। अरे उसको अपना प्रोडक्ट प्रमोट करना, दे रहा है टीवी में, देता है रेडियो में, देता है होर्डिंग पे, देता है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, देता है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, ट्विटर पे भी ऐड आता है, फेसबुक पे भी ऐड आता है एप्पल का, आता है नहीं आता है, अब इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के थ्रू आएगा। आप समझो कॉन्सेप्ट क्या। प्लस इसके अलावा और इम्पोर्टेंट चीज जो समझने वाली बात है, जो आपको कंपनी पैसा दे रही है वो $20 आपसे हर महीने चार्ज करती है सब्सक्रिप्शन फी, जो चल जो देता है आपके कॉम्पनसेशन प्लान में, $20 हर लाखों लोगों से $20 हर महीने कंपनी दे रही है, तो कंपनी तो सस्टेन करेगी। आपको एक बात और पता होना चाहिए, कंपनी क्यों बंद हो जाएगी भाई, लाखों रुपया कंपनी हर महीने ग्लोबल पावर बोनस देती है हजारों लाखों लोगों को, तो कंपनी बिजनेस मॉडल में क्या होता है, कंपनी शुरू में इन्वेस्ट करती है, ये कंपनी भी इन्वेस्ट कर रही है, तो कंपनी तो डाले जा रही है, क्यों बंद, क्यों भाग जाएगी, बिना कुछ लिए भाग जाएगी, एप्पल बंद हो जाएगा, गूगल बंद हो जाएगा। प्लस इस तरह की बिजनेस मॉडल में क्या होता है, यदि कंपनी आपको इन्वेस्टमेंट करने से मना कर रही है, ये सबसे बड़ा साइन है कि कंपनी कितनी जेन्युइन है। यदि कंपनी का बैड इंटेंशन होता, गलत इंटेंशन होता, तो कंपनी को इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करती। अब जितेंद्र जी 15 ID लगा दे तो कंपनी को क्या नुकसान है, या जितेंद्र 15 लोगों से 15 ID लगवाए तो क्या फायदा हो रहा है, लेकिन कंपनी इन्वेस्टमेंट को प्रमोट नहीं कर रही है, कंपनी इन्वेस्टमेंट को प्रमोट नहीं करती है, ये इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का प्लेटफॉर्म है, इसलिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अलाउड नहीं है, और जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं उनको ट्रैक करती है कंपनी, उनके आईपी एड्रेस, उनके लॉगिन पैटर्न के आधार पे, और उनको सस्पेंड करती है, वॉर्न करती है, टर्मिनेट भी करती है। तो ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है हमारी कंपनी का, कि इस कंपनी के अंदर कोई रिस्क नहीं है, क्योंकि कंपनी पूरा इन्वेस्ट कर रही है बिजनेस मॉडल के अंदर, इकोसिस्टम बनाने के लिए, डेवलप करने के लिए, और कंपनी सबसे बड़ा है इन्वेस्टमेंट ले ही नहीं रही है, तो पैसा इकट्ठा ही नहीं हो रहा है जो लेके भाग जाएगी, कंपनी एक मार्केट प्लेस डिजाइन कर रही है जैसे और कंपनियों ने डिजाइन किया। जितनी भी बेबिस्ट कंपनी है, चाहे नेटफ्लिक्स हो, अमेजोन हो, अलीपे हो, जो भी आप, पेटीएम हो, ऊबर हो, ओला हो, ये सब क्या है, इन्होंने इकोसिस्टम डेवलप किया, यूजर्स बनाए, और उसके बाद आप मोनेटाइज कर रहे हैं डिफरेंट प्रोडक्ट सर्विसेज को ला करके, या डिफरेंट एडवर्टाइजमेंट कॉन्सेप्ट के साथ में, जो शब्द भी उसी तरह का मॉडल है। इसीलिए मैं बार बार दोस्तों बोलता हूँ कि ये टिप ऑफ एन आइसबर्ग है, इसका 10% अभी आपको समझ में आ रहा है, और बहुत से लोगों को तो 1% भी समझ में नहीं आ रहा है, और इसीलिए इतना सारा सवाल है क्योंकि समझना चाह ही नहीं रहे। अब इतना ट्रेनिंग प्रोग्राम हो रहा है, रोज प्रेजेंटेशन हो रहा है नेपाली लैंग्वेज में, फिर भी सवाल हो, ये हेडक्वार्टर कहाँ है, अरे यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है, ये पता है आपको, यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है नेपाल में, उसके हेडक्वार्टर की चिंता नहीं है, सोशल के हेडक्वार्टर की चिंता है, हेडक्वार्टर की जरूरत ही नहीं है, कंपनी लंदन में रजिस्टर्ड है, वेब बेस्ड बिजनेस मॉडल है, फिजिकल डीलिंग कंपनी नहीं करती है। जैसे नेटफ्लिक्स का हेडक्वार्टर कहाँ पता आपको, आप सब्सक्रिप्शन देते हो $100, $200 पिक्चर देखने के लिए पूरे साल में, कंपनी पैसा लेके भाग गई तो, थिंक अबाउट इट, बी मैच्योर थोड़ा सा, ओके। चलिए अब बात करते हैं, तो कंपनी वेब बेस्ड है, ऑफिस की जरूरत नहीं है, कोई रिस्क नहीं है, कंपनी कहीं नहीं जाने वाली, बिलीव पैदा करो। उसके बाद क्या दोस्तों, $40 जो आज का टॉपिक था, बहुत सिंपल, मैम ने ऑलरेडी शेयर किया है, एक ही उपाय है, तीन बातें मैं बोलना चाहूंगा। पहली बात, यदि आप चाहते हैं 3-3 महीने में आपके नेपाल से ही लोग $240 पे पहुंच गए, 240, सोच के देखो यार, सोच के देखो क्या आप लोग कर रहे हो, $240 डेली मतलब $7,000, $200 एक इनकम से आप कमा रहे हो, कितने नेपाली रुपए हो गए, लाखों में हो गए, 8-9 लाख रुपए हो जाएंगे मेरे ख्याल से एक इनकम से, बाकी इनकम को तो काउंट ही नहीं किया जा रहा है। आप कमाना चाहते हो, लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हो, बट करना कुछ नहीं चाहते, सिर्फ बेतुके सवाल पूछना चाहते हो, सवाल पूछो, जेन्युइन सवाल पूछो, सवाल को समझो, मॉडल को समझो, समझ में आ रहा है तो शुरू करो काम करना, नहीं समझ में आ रहा है तो कोई दूसरा काम कर लो, नौकरी कर लो। आज लोग शेयरिंग में आके बोलते हैं, जितनी मेरी महीने की सैलरी नहीं है आपके नेपाल से, उतना मैं डेली जोशल में कमा रहा हूं। कौन सा बिजनेस देता है, कौन सा बिजनेस देगा, वो बिजनेस फ्री, घर में बैठ के, लॉकडाउन में घर में बैठ के बिजनेस कर सकते हो, लोगों की नौकरियां जा रही है, सैलरी नहीं मिल रही है, दुकान ठप हुए पड़े हैं, बिजनेस से आमदनी नहीं है, और एक अपॉर्चुनिटी आपको ऊपर वाले ने, भगवान ने ऑफर किया है, आप उस पे शक करते हो, आप उस पे डाउट कर रहे हो, इतना एक्सप्लेन करने समझाने के बाद, इतना टेस्टिमोनियल एविडेंस देखने दिखाने के बाद भी। वो नेटवर्क मार्केटिंग में ना एक स्टोरी सुनाई जाती है, एक छोटी सी स्टोरी सुना देता हूँ, बहुत रिलेवेंट है उन लोगों के लिए जो इस तरह के सवाल पूछते हैं। एक गांव में एक बाढ़ आ गया, सारे लोग पूरा भर पूरा
किसान जो था बहुत पुजारी था, बहुत भक्त था भगवान का, वो छत पे चढ़ गया। भगवान में उसकी पूरी आस्था थी, विश्वास था कि भगवान मुझे बचाएंगे, मेरी रक्षा करेंगे। गांव वाले गांव छोड़ के जाने लगे, उसको भी समझाया बुझाया तुम भी चलो, जो भी उनके जानवर थे मवेशी थे सबको लेकर के, जो भी कैरी कर सकते थे लेकर के जाने लगे, वो नहीं गया, बोला मुझे तो भगवान बचाएंगे, और वो रहता गया। फिर बाद में सेना आई, उसने भी उसको समझाने की कोशिश की कि चलो चलते हैं, और दूसरे एजेंसी आए गवर्नमेंट के, उन्होंने भी समझाने की कोशिश की, नहीं गया। उसके बाद हेलीकॉप्टर से मदद के लिए उसको बुलाया गया, वो नहीं गया, और वो ऐसे ही भूखा फिर मर गया। मर गया तो ऊपर पहुंचा, हर रिलीजन में होता है, जहां भी आप जाते हो स्वर्ग में नर्क में व्हाटएवर, ऊपर पहुंचा तो बहुत गुस्से में था, वो नाराज था, उसकी आत्मा बहुत परेशान थी, लाइन लगी हुई थी भगवान के दरबार में जाने के लिए। लेखा जोखा लिया था चित्रगुप्त, ऐसा बोलते हैं हम लोग हिंदू रिलीजन में कि चित्रगुप्त जी हिसाब किताब करते हैं, लाइन लगी हुई थी लोगों की जो उससे पहले मरकर गए हुए थे, उसका नंबर भी आया, वो काफी गुस्से में था, नाराज था, बोला मुझे भगवान से मिलना है, मेरी भक्ति में क्या खोट रह गई कि मुझे भगवान ने बचाया नहीं, मुझे भगवान ने, मैंने इतना तन मन धन हर जब से होश संभाला प्रभु की भक्ति में अपना समय दिया, लेकिन मुझे ऊपर वाले ने क्यों नहीं बचाया। तो उसको जवाब दिया गया, उसको जवाब दिया गया, भगवान खुद प्रकट हुए और जवाब दिया कि अरे बेवकूफ, मैंने तो तुम्हें बचाने के लिए बहुत कोशिश की, गांव वाले के बेश में मैं उनमें से एक बंदा था जो तुम्हें बार बार बोल रहा था चलो, सेना की टीम आई उसमें मैं ही एक आदमी था जो तुम्हें ले जाने के लिए कन्विंस कर रहा था, हेलीकॉप्टर भी लेकर के मैं ही आया तुम्हारे पास, लेकिन तुम तो अंधविश्वास में भरे हुए थे, तुमने मुझे पहचाना ही नहीं, तुम्हारी भक्ति झूठी थी, विश्वास नहीं किया, भरोसा नहीं किया। यही चीज यहाँ भी हो रहा है, जोशल में भी, अंबिका मैम ट्रेनिंग ले रही है, समझा रही है, मैं बता रहा हूँ, अपलाइन आपके बता रहे हैं, जितेंद्र बता रहा है, गोविंद बता रहे हैं, सब लोग बताएगा, बहुत से लोग समझेंगे, वो जुड़ेंगे, पैसे कमाएंगे, सक्सेसफुल होंगे बहुत से लोग, लेकिन किंतु इफ बट परंतु में लगे रहेंगे, वो नहीं कमाएंगे, और फिर बाद में अपनी किस्मत को दोष देंगे, बाद में ऊपर वाले को दोष देंगे, बाद में अपने सर्कमस्टांसेस को दोष देंगे, बाद में अपने माँ बाप को दोष देंगे, बाद में अपने फैमिली मेंबर्स को दोष देंगे, परिस्थितियों को दोष देंगे, अपने आप को कोसेंगे, इस समाज को कोसेंगे, इस सरकार को कोसेंगे क्योंकि मुझे सफलता नहीं मिली। और 97% लोग की कैटेगरी में रह करके वो आप समझ सकते हैं क्या होगा उनका। तो ये है ये ऑपरेशन की कहानी दोस्तों। थोड़ी सी हम लोग मैच्योरिटी लेते हैं, $60 8,100 रुपए या 5,000 रुपए या 10,000 रुपए जो भी कंट्री आप बिलोंग करते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं हम। 2-3 जोड़े कपड़े खरीद सकते हैं, 4-5 फैमिली मेंबर के साथ जाके लंच या डिनर कर सकते हैं, बस इस 8-10 हजार में आप कुछ नहीं कर सकते जिंदगी में। कोई रिस्क नहीं है, फिर भी कोई रिस्क नहीं है। थोड़ा सा ग्रो अप होइए, मैच्योरिटी लाइए, और फालतू के सवाल जवाब को दिमाग से निकाल करके, डाउट जोन, फियर जोन से निकल करके जोशल मॉडल के ऊपर आप कॉन्सेंट्रेट करें, या तो इस पर बिलीव करें और काम करें, सक्सेसफुल होंगे, ये कंपनी चलेगी लंबा, मैं बता रहा हूँ बार बार। मैं मिलूंगा आपको अगले साल दिसंबर में भी, उसके अगले साल दिसंबर में भी, मई में भी, जून में भी, जुलाई में भी, ठीक है। मैंने यही वादा पिछले साल भी लोगों से किया था, और सब उसमें से बहुत से लोग मुझे देख के हैरान है, अरे अभी तक हुआ, ठीक है। अब जूम मीटिंग से ही मिलूंगा, कोई फिजिकल मीटिंग नहीं करता हूं मैं, टेक्नोलॉजी का यूज करो, टेक्नोलॉजी। एलोन मस्क क्या कर रहा है, ट्रैफिक को खत्म कर रहा है, ऐसा रोड बना रहा है अंडरग्राउंड कि ट्रैफिक होगा ही नहीं, आप अपने घर से निकलेंगे लिफ्ट से नीचे गाड़ी जाएगी टनल में, और वहां से जहां जाना है काठमांडू में वहां पहुंच जाएंगे, लिफ्ट से गाड़ी ऊपर आएगी और आप वहां अपने ऑफिस में पहुंच जाएंगे। पता आपको पता है क्या, यूट्यूब में सर्च कीजिएगा, इम्पॉसिबल है ना, ऐसा बनाने जा रहा है वो, तो इम्पॉसिबल काम ही करता है वो, मंगल ग्रह पे दुनिया बसाने जा रहा है, रीयूजेबल रॉकेट बना दिया, रीयूजेबल रॉकेट जो नासा तक नहीं बना पाए, सोच नहीं पाए। एलन मस्क एक आदमी है, नासा क्या है, पूरी गवर्नमेंट उसके पीछे, अमेरिका उसके पीछे, और अमेरिका इतनी पावरफुल कंट्री है, तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। लोग लिख रहे हैं क्या 10 लाख रुपए कमा सकते हैं क्या, 8,000 रुपए लगा करके, क्यों नहीं कहा, लोग कमा रहे हैं, लोग लिख रहे हैं अभी चैट बॉक्स में, लोग कमा रहे हैं, आपके शहर में कमा रहे हैं, क्यों नहीं कमा सकते हो, बिलीव पैदा करो। जब तक सोच नहीं डेवलप होगी, सच नहीं बनेगा आपकी जिंदगी में, सच हो ही नहीं सकता। इसलिए
ये लेक्चर देना बहुत जरूरी है, मैं लेक्चर नहीं दे रहा हूँ, मैं फैक्ट्स शेयर कर रहा हूँ। चलिए अब बात करते हैं कैसे $240 के ऊपर पहुंचे, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, फिर आपके सवाल जवाब होंगे। पहली चीज तो $240 पे यदि आप पहुंचना चाहते हैं, कोई भी नया पुराना कोई भी इंसान जो इसमें जुड़ा हुआ है, उसके लिए सबसे पहले 3 स्टेप सक्सेस प्रोग्राम है। पहला, आपको पूरी बिजनेस की नॉलेज होनी चाहिए, जो चीजें मैंने बताया, हर सवाल का जवाब मार्केट का होना चाहिए। मार्केट में लोग आपको पूछेंगे, आप और अभी से स्ट्रांग बन जाओ थोड़ा, और अभी नेपाल इधर उधर की जितने भी कंपनियां हैं जो ऑपरेट कर रही हैं, सब खलबली परेशान हो गए हैं। मधुमक्खी के छत्ते में जैसे आप पत्थर फेंकते हो ना, तो मधुमक्खियां छपट्टा मारती हो, सब अभी एक्टिव हो जाएंगे, उनका बिजनेस जा रहा है, उनकी दुकानदारी बंद हो रही है। ऐसा हुआ हम लोग के साथ, ऐसा पहले भी हुआ है। वो नेगेटिव बोलेंगे, मार्केट को नेगेटिव करने की कोशिश करेंगे, फेसबुक पे आएंगे। अभी इंडिया में हुआ, नाम नहीं लूंगा, एक कंपनी बहुत अच्छा चल रही है इंडिया में, उसके सारे लोग मतलब ग्रुप के ग्रुप सैकड़ों लोग जोशन में ज्वाइन कर रहे हैं। अब उसका अपलाइन पागल हो गया, वो आसाम से आया, उसने बोला कि अनाउंसमेंट किया कि मैं फला दिन इस समय मैं फेसबुक पे लाइव आऊंगा और जोशन को एक्सपोज करूंगा, फ्रॉड कंपनी है, ये कंपनी है, वो कंपनी है, ऐसा करके, और उसने फेसबुक पे उस समय आकर के जितनी बकवासबाजी करनी थी कर दी। अब उसका आफ्टर इफेक्ट देखिएगा, जोशन तो जेन्युइन कंपनी है, बड़ी कम्युनिटी बन गई है। अब उसने जो वीडियो फेसबुक पे चलाया, अब उस एरिया के हजारों लोग इस वीडियो के ऊपर कमेंट करने लग गए, एविडेंस प्रूफ के साथ में, बेचारे को वीडियो डिलीट करना पड़ गया फेसबुक से। तो ये कम्युनिटी बन रही है जोशन, तो आप लोगों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैं पहले से आगाह कर रहा हूं कि ये सब अभी थोड़ा सा आप लोगों को देखने को मिलेगा, लेकिन वो लोग भी ज्वाइन करेंगे आपको। एक कहावत सुनी है ना, नेटवर्क मार्केटिंग में हमेशा बताया जाता है कि पहले लोग आपके आइडिया का विरोध करेंगे, दे विल ऑब्जेक्ट and reject your idea, and then they will laugh at your idea, and then they will criticize your idea, and then they will join you. ये सच्चाई है, they will be with you. तो अभी वैसे लोग भी आएंगे धीरे धीरे, बोलेंगे अच्छा अंबिका मैम लगता है चलेगी कंपनी, मैम मुझे भी ज्वाइन करना था, गलती हो गई, जितेंद्र जी मुझे भी करना था। अभी लोग आएंगे, गोविंद भाई मुझे भी बताओ यार कैसे करते हैं, गलत फहमी का शिकार बन गया मैं, ऐसा होगा अभी। ठीक है, तो घबराने वाली कोई बात नहीं। चलिए $240 तक कैसे पहुंचते हैं उस बात पे आते हैं। बिजनेस की पूरी नॉलेज होनी चाहिए, फील्ड के सारे क्वेश्चन का आंसर आपके पास होने चाहिए। ऑफिस नहीं है, जिमी मार्च नहीं है, सोशल मीडिया नहीं है, क्यों नहीं है, कंपनी बंद तो नहीं हो जाएगी, भाग तो नहीं जाएगी, नेपाल में BTC बैन है, नेपाल में पैसा कैसे मिलेगा, मुझे तो अकाउंट में पैसा चाहिए, कोई घर पे पुलिस तो नहीं आ जाएगी, जेल में तो नहीं उठा के बंद कर देगी, सभी सवालों का जवाब आपके पास होना चाहिए। मैं सभी सवाल का जवाब पहले कई बार दे चुका हूँ, फिर से एक बार। पहली बात तो कोई पुलिस नहीं आएगी, नेपाल की कोई पुलिस आपके घर पे नहीं आएगी, कोई उठा करके जेल में बंद नहीं करेगा, गारंटी लिख लो, मैं आऊंगा बचाने के लिए। ठीक है, उसका रीजन बताता हूँ मैं इतने कॉन्फिडेंस के साथ क्यों बोल रहा हूँ। पहली बात तो ये कोई गलत काम आप कर ही नहीं रहे हो, कोई गलत काम नहीं है ये, आप जो कमाते हो आप गवर्नमेंट को टैक्स देते हो, नेशन बिल्डिंग कर रहे हो आप। आज हर कंट्री जूझ रहा है इकोनॉमिक क्राइसिस से, कोरोना के कारण। आप लाखों कमाएंगे, उसमें से लाखों देंगे, हर यदि नेपाल में लाखों लोग हो जाएं, मलेशिया में लाखों लोग हो जाएं, हिंदुस्तान में लाखों लोग हो जाएं, और सब लोग लाखों रुपए कमाएं और लाखों रुपए टैक्स दें, क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन होगा, टैक्स कलेक्शन होगा, आप सोच के देखिए जरा। प्लस कितने लोग बेरोजगार हैं, कितने लोग अनएम्प्लॉयड हैं हर कंट्री में, उनको अर्निंग का एक अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, गवर्नमेंट का बर्डन हम लोग कम कर रहे हैं अर्निंग अपॉर्चुनिटी देकर के, उनको सेल्फ रिलायंट सेल्फ एम्प्लॉयड बना रहे हैं, क्या ये गलत काम है? पुलिस इसके लिए मुझे अरेस्ट करेगी, आपको अरेस्ट करेगी? टैक्स देने के लिए वाइट मनी मेरा बन रहा है उसके लिए पुलिस हमें अरेस्ट करेगी? ये गलत मिसकंसेप्शन लोग फैला रहे हैं और लोगों के दिमाग में आ रहा है। डरना तो मुझे चाहिए सबसे पहले, मैं खुल्लम खुल्ला लाइव आकर के 11 महीने से ऑनलाइन, सारा आईपी एड्रेस ट्रैक होता है। मैं बता दूं, यदि मैं गलत काम कर रहा हूं तो किसी भी कंट्री की पुलिस मुझे ट्रैक कर सकती है। जैसे घर का एड्रेस पता है तो कहीं से भी कोई आ सकता है, ऑनलाइन सारा आईपी एड्रेस डिटेक्ट होता है। मैं खुल्लम खुल्ला कर रहा हूं, फेसबुक है, यूट्यूब है, सब पे मेरा लोग वीडियो डालते हैं, मैं नहीं डालता, लोग डालते हैं, मुझे कोई डर नहीं है। मैं मीटिंग में भी जा रहा हूं, फिजिकली भी लोगों से मिल रहा हूं। अभी इंडिया में कॉन्फ्रेंस मिले थे जितेंद्र जी, नहीं मिले थे, या मैं छुप गया था, नहीं मैं नहीं आता हूँ तो कोई डरने वाली बात नहीं है। ये सब ना नेगेटिविटी आप निकाल दो,